हाय फ्रेंड्स, मैं आर्यन हुसैन स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पेट्स दीवानगी में। आज का मेरा वीडियो टॉपिक ब्यूटीफुल कॉल लोडिंग एंड अनलोडिंग मास्क कैडल फॉर्म 2023। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए मास्क कैडल फॉर्म का जानवर का वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग वीडियो देखते हैं इस खूबसूरत से जानवर का। तो बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन, जैसे कि मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि मास्क कैडल फॉर्म अपने इस बार 2023 में खटाल में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी शौकीन हजरात बाछी के शौकीन हैं, जिन्हें अच्छे बाछी जानवर चाहिए, वो एक बार मास्क कैडल फॉर्म आकर ज़रूर देखें, क्योंकि इनके पास भी एक बहुत ही अच्छा लॉट है बाछी जानवर का। जानवर देखें, सब के सब बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत अच्छे कदोकामत के जानवर है। ये देखें फ्रेंड्स, तो ये जानवर फाइनली यहाँ से निकल रहा है। तो इसी के साथ कुछ और भी वीडियोज़ बाकी है मास्क कैडल फॉर्म का, तो मैं आप लोगों को हमेशा दिखाता चला जा रहा हूँ। ये जानवर बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, एकदम लंबा हाइट का जानवर है ये, देखिए माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन जानवर। यहाँ पे इस जानवर को चढ़ाने के वक्त में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया था कि ये जानवर की रस्सी टाना टूनी के चक्कर में जानवर के सर से रस्सी निकल गया था, ये देखिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इतना भी ज़ोर से टाना टूनी मत कर दें कि फिर मतलब रस्सी ही निकल जाए और लेने की देनी पड़ जाए। ये देखें दूसरे एंगल से किस तरीके से इसके सर से मतलब रस्से निकला, और बहुत ही तेज़ी और बहुत ही क्विक एक्शन के साथ यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसके गर्दन में रस्सी को फंसाया गया और इस जानवर को कंट्रोल किया गया। अगर ये जानवर हाथ से निकलता तो फिर पकड़ाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप इस जानवर के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, एकदम घोड़े की तरह है। और अगर एक बार खुला रस्सी में जानवर निकल जाता है, फिर उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पकड़ा तो जाता है, लेकिन बहुत दौड़ाता है वो जानवर। दो चार केसेस मैंने इस तरीके का देख चुका हूँ। तो ये फाइनली, चलिए अच्छा हुआ कि इसके गर्दन में रस्सी बंध गया, वरना अगर आम इंसानों के हाथ में ऐसा कंडीशन हो जाता तो अभी तक ये जानवर छू हो जाता। तो समझे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यही थोड़ा सा कुछ मामला हो गया था। तो कोई बात नहीं, अल्लाह के करम से यहाँ पे इस जानवर को मतलब काबू कर लिया गया है। अब यहाँ पे देखे सब कश्मकश में है कि समझ में नहीं आ रहा, कोई उसमें बांध रहा है, उसको बोल रहा है कि ऊपर रस्सी फंसाने, उसको समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ फंसाएगा, ड्राइवर अलग परेशान है, सब एक दूसरे में फंसा हुआ है, कहाँ पकड़े कहाँ इसको बांधे। ये देखिए, यहाँ किसी का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि करना क्या है। तो ये भी एक बहुत ही फनी सीन हो गया था यहाँ पे। तो फिर लास्ट में फाइनली इस जानवर को अंदर ले आया गया कि भाई इसको अंदर ले गए चलो, नहीं तो अगर भागा भूगी में निकल गया यहाँ से तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इस जानवर को एक बार अंदर ले आके पूरा अच्छे तरीके से पहले इसका मुक्का सुक्कस को बांधने का मतलब ये किया गया कि फिर से इसे मुक्का सुक्कस बांध के अच्छे तरीके से निकाला जाए, वरना अगर हाथ से निकला तो पूरा ये जानवर निकल ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस जानवर को अच्छे तरीके से यहाँ पे फिर से मुक्कस उक्कस बांधा जा रहा है, ताकि ये गलती दोबारा ना हो, और थोड़ा मुक्कस को टाइट कर दिया जा रहा है, ताकि टानने के चक्कर में इसके जो मुक्कस वापस से निकल ना जाए। तो ये तो था कि समझिए कि नज़र पड़ गई उसके ऊपर में, वरना सब रस्सी पकड़ के रह जाते, गुरु हो जाता खुलता मैं ना। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स थोड़ा सा, वरना रस्सी पकड़ के ले आइए या गुरु पता चले या निकल गया यहाँ से। तो चलिए आस्ते आस्ते करके लेके बढ़िए भाई, और इस बार थोड़ा ध्यान से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जानवर मुझे एकदम घोड़े की तरह लग रहा है, आप देख सकते हैं इसे, हाइट काफ़ी अच्छा है, और मतलब घोड़ा बोलो और जंप करना शुरू। ये देखिए अच्छा खूबसूरत सा जानवर है। तो बहुत सारे हमारे शौकीन हज़रात को इस तरीके के जानवर बहुत पसंद आते हैं, जो अच्छे हाइट के जानवर होते हैं। और अगर इस जानवर को आप लोग देख रहे होंगे, एकदम यंग जानवर है, अगर इसे सही से तैयार किया जाएगा तो काफ़ी अच्छा बनेगा। ये बहुत ही खूबसूरत नस्ल का ये जानवर है, आप लोग देख सकते हैं इसे। तो चले भाई आहिस्ते आहिस्ते करके ऊपर चढ़ाएं फिर से। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा जानवर, जो कि मास्क कैडल फॉर्म का चढ़ना ही नहीं चाह रहा है ये जानवर, लेकिन कोई बात नहीं, एट द एंड इस जानवर को पूरी कोशिश करके काफ़ी मुशक्क़त के बाद, ये देखें काफ़ी मतलब यहाँ पे हर तरफ से टाना टूनी हो रहा है कि कोई भी तरीके से ये जानवर चढ़ जाए, और जानवर भी चढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन फाइनली ये जानवर अच्छे तरीके से चढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारा लोडिंग का वीडियो हुआ। अब चलते हैं हम लोग अनलोडिंग के तरफ में। तो फाइनली हम लोग मास्क कैडल फॉर्म पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ पे अनलोड करना है हमें जानवरों को। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये वही जानवर जो अभी चढ़ने में काफ़ी हलचल मचा कर रख दिया था वहाँ पर, अब इसे अनलोडिंग किया जा रहा है यहाँ पर। तो वीडियो देखने का मज़ा तभी आता है जब लोडिंग अनलोडिंग एक ऐसा वीडियो का कंटेंट है जिसमें बहुत मज़ा आता है इंसानों को देखने में, है ना। तो ये कुछ अगर सीज़न के वक्त में और मज़ा आता है, जब हमारे एरिया की तरफ में उतरते हैं ये सब जानवर लोगों की भीड़ के बीचों में। तो अभी फ़िलहाल यहाँ कैडल टू कैडल फॉर्म जा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, आसपास कुछ छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं जो
देखने के लिए आए हुए हैं, वरना अगर ये महल्ला में उतर जाता तो पता ही चलता पूरा भीड़म भीड़ हो जाता। तो चले कोई बात नहीं, यहाँ पे इस जानवर को उतारा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये मस्काडेल फॉर्म का एक और खूबसूरत सा जानवर मस्काडेल फॉर्म के बहुत ही करीब पहुँच चुका है और ये फाइनली मस्काडेल फॉर्म के ज़मीन पर अपने कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए, तो और एक खूबसूरत सा जानवर मस्काडेल फॉर्म में एंट्री हो चुका है। तो शौकीन हज़रात जिन भाइयों को भी बाछी जानवर चाहिए वो मस्काडेल फॉर्म भी एक बार देख सकते हैं। आप लोगों के लिए मस्काडेल फॉर्म का मैं अच्छे तरीके से एक बार वीडियो को गाइड कर दूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स मेरे चैनल पेट्स जीवन की लाइक किए, सब्सक्राइब किए और शेयर की। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।